दर्शन करके आ गए सब मंदिर यहाँ इस्कॉन लक्ष्मी नारायण राम लक्ष्मण बाहरी बाहर से निकले। तो आज का प्लान एक्सटेंड हो गया भाई, आज जो सामने दीपक भाई लोग मिल गए वो प्लान कर लिए कि अब एक साथ अर्टिगा बुक करते हैं अपन मस्त, और सुबेरे कल 8 बजे पूरा द्वारिका कवर करेंगे 8 से 7 बजे तक। तो 7 बजे 8 बजे उसको बोलेंगे रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दे भाई, वहाँ से निकल जाएंगे सोमनाथ, सोमनाथ में फिर सुबेरे से पूरा घूमने का अपन जो है पूरा कर लेंगे भाई 31 तारीख को। तो अभी आराम करते हैं, 1 आध घंटे रेस्ट करते हैं, उसके बाद पूरा द्वारिका फिर से कवर करेंगे घूमने निकलेंगे, क्योंकि अब दर्शन हो गए तो टेंशन नहीं है भाई, अब तो मस्त अभी रेस्ट करते। ककड़ी काट रही, देखो मम्मा जी कैसा रहा मम्मा दर्शन एक्सपीरियंस, तो एकदम सामने से दर्शन हुए भाई, द्वारिकाधीश की छवि जो आँखों में एकदम समा गई, काफ़ी दर्शन हो पाएंगे। तो ये हमारा तीसरा धाम, मेरा मम्मा जी का दूसरा धाम हो गया भाई। तो मेरा सिर्फ एक धाम रह गया जगन्नाथपुरी, तो मम्मा जी को उत्तराखंड का जब दर्शन करवा देंगे उसके बाद फिर मम्मा जी मैं जगन्नाथपुरी चल जाएंगे दर्शन करने, तो उत्तराखंड जरूर आएंगे हम लोग जल्दी। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं भाई, तो मस्त भाई थोड़ा सो गए थे 1 घंटे यार, तो आज तो बताया एक्सटेंड हो गया सब, तो अभी बस चल रहे हैं हम लोग रेस्ट करने, और बहुत सा द्वारिका भी मार्केट को घूमते हैं बढ़िया, कुछ होगा तो ले भी लेंगे। तो ये देखो पिंकी महारानी हो रही है रेडी, मम्मा जी भी होंगे रेडी, तो हम चलते हैं बाहर, तो बढ़िया देखते हैं फिर उसके बाद चलते हैं मस्त। फाइनली देखो सब कोई जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं खाना खाने, चल ही रहे अभी कहाँ खाएंगे कहाँ नहीं समझ नहीं आ रहा। ये देखो भाई इसको आ गया भूख, कड़को वापस इतना भूख लग गया है कि भाई थाली मंगाई है गुजराती थाली और बैठ के खा रही है, थाली खाते रह रही और डाइट कर रही है, तो शादी में जाना है कि अपने फ्रेंड के और फुल खा रही है दबा के, सुबह शाम थाली खाना खाना इतना खाई है सुबह, अभी रूम जाके पूरा मिक्सचर दाल वगैरह सब खाइए बैठ के, कितना सारा खाई थी वीडियो भी है कितना सारा खाई है, और अभी खाना मंगाइए गुजराती का सब आ गए, देखो इधर आंटी भी आ गई है, मम्मा जी यहाँ खाना खाते, पता नहीं होटल का नाम देख नहीं पाया यार क्या होटल है, क्या होटल तो ये है भाई, देखो आरती रेस्टोरेंट द्वारिका में ही है, एसी के कारण आ गए भाई एसी है ना, तो गर्मी में पसीना टपकना बोला ना, मैं पसीना नहीं टपकाना चाहता। क्या है तेरे को जाती थाली में? ये देखो भाई हमारा आ गया पनीर आटी पिछिया, खाने के बाद जाते हैं रोटी आ गया दाल आ गया ना, आदमी होटल यहाँ आए थे खाना खाने, यहाँ खाना खाए बात बात सब सही हुआ, लेकिन खाना देते समय नौ विजिट मत करना यहाँ पर, नौ याद आए सही नहीं था होना यहाँ रात को खाए तो बस भाई फाइनली खाना तो खा लिए, बहुत ही बेकार जगह आरती रेस्टोरेंट मार्केट तीन पत्नी चौक के पास, तो अभी मम्मा जी तुरंत वहाँ खरीदारी करने लगे, तो अभी हमने मना किया है कि पूरा मार्केट बंद है, तो पूरा भाव बड़ा हुआ है शाम को मार्केट खुलेगा क्योंकि जा रहे वापस होटल काफ़ी जल्दी जी, शाम को रेडी हो गए भाई, अभी चलते हैं मस्त मंदिर वापस मंदिर की ओर दर्शन करने, बस दर्शन करके आते हैं होगा तो अब आरती अटेंड करेंगे, जल्दी से घुस जाएंगे तो रात को 8:30 बजे तक मंदिर के अंदर ही रहेंगे, 8:30 बजे मंदिर में आरती होगी, तो चलते हैं बढ़िया अब निकलते हैं मस्त दर्शन करने वापस द्वारिका नगरी घूमने, द्वारिका घूमते हैं मार्केट बढ़िया चलते हैं बढ़िया, रूम से निकल रहे भाई अब चलते हैं मस्त घूमते हैं मार्केट मंदिर वंदिर आस पास, मम्मा जी लोग आ रहे हैं पीछे, शांति
प्याला होटल भी है। तो ये दीपक भाई है भाई, लखनऊ से, नवाबों के शहर। तो दीपक भाई लोग मिल गए सबेरे होटल में, तो बस साथ में सब जगह घूम रहे। कल की गाड़ी हो गई बुक, कल गुरुद्वारे का दर्शन करके रात को हमारी ट्रेन सोमनाथ में, सोमनाथ के निकलेंगे, फिर परसों सोमनाथ पूरा कवर करेंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद भाई लोग ये गाड़ी 1 तारीख को, और हम लोग अभी कोई ठिकाना नहीं क्या हाल है, तो देखते हैं क्या असर रहेगा। सोमनाथ से रिटर्न जाएंगे कि सोमनाथ से घूमेंगे, और क्या रहता है। मम्मा जी लोग पीछे आ रहे हैं, गप मारते हैं। फाइनली भाई रात की 2 आरती अटेंड कर ली, शयन आरती और संध्या आरती शाम की, और उसका 2 बार दर्शन। तो अभी देखो आरती की आवाज़ आ रही है ना, तो अब सुधार ये पीछे ही मंदिर है 30 और, तो मस्त भंडारा खा के आ गए, 30 रुपये की पर्ची कटा के, तो अब जा रहे रूम यार। पूरा सूख गया रात को 9:30 बजे लगभग, ख़त्म। हाँ पानी की देखो पानी कैसे सूख गया, पूरा ख़त्म पानी। भाई साहब रात को आ गए दर्शन करके, आज दिन भर सिर्फ द्वारिका में थोड़े से सोए, थोड़ा सा दर्शन, और शाम को तो यार दर्शन दोनों टाइम की आरती के हो गए अटेंड हमारे। संध्या आरती भी अटेंड कर लिए, शयन आरती भी, और दामोदर महाराज द्वारिकाधीश के दर्शन। तो इतने प्यारे हुए भाई, क्या जो बताऊँ मैं, इतने तीर्थ दर्शन कर चुका हूँ मैं, बट जो यहाँ दर्शन हुए यार खुले दर्शन एकदम, बहुत शानदार दर्शन हुए। तो कैसा रहा मम्मा आज दर्शन? मस्त था एकदम, मस्त दर्शन, 3 बार दर्शन कर लिए यार, सवेरे 1 बार और शाम को भी 2 बार मस्त दर्शन किए। जहाँ से हम ट्रैवल, शयन आरती संध्या आरती, जहाँ हम लोग होटल लिए थे, होटल से आगे हम लोग ट्रैवल बुक कराए कल के, तो वो बताया ऐसे ऐसे चले जाओ, तो हम वैसे चले गए 56 सीढ़ी से ऊपर, मस्त दर्शन। गोमती नदी यार वाकई में देखने लायक, हम जब सवेरे गए पूरा सूखा हुआ था, उस पार करके गए थे, अभी शाम को गए तो पूरा समुद्र का पानी इस ओर आ गया था। तो अभी करते हैं इस ब्लॉग का एंड, आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पर नए तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोले शंकर, हर हर महादेव। कल दिन भर द्वारिका दर्शन, देन कल द्वारिका से घूमने हम प्रस्थान, हमारी ट्रेन है, हाँ अभी नदी फिर वापस चले गई थी रात को, तो कल द्वारिका से सोमनाथ के लिए हमारी ट्रेन हो चुकी है बुक, तो कल रात को निकलना है सोमनाथ में, तो कल मॉर्निंग मिलते हैं।